हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों जय श्री राधे राधे, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 03 इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 2020 लिखा हुआ देख रहे हो आप, ये लास्ट ईयर फिर कैसे हुआ? तो जो दिसंबर में एग्जाम होना था 2020 के अंदर में, वो एग्जाम फरवरी 2021 के अंदर में कंडक्ट करवाया गया था, जिसके कारण से हम इसे लास्ट ईयर बोलते हैं। दोस्तों MHI 03 का जो सिलेबस है, वो सिलेबस और एक सब्जेक्ट जैसा नहीं है, वो पूरा पूरा एक कोर्स मान के चलिए, क्योंकि हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन के अंदर में आप अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इसका सिलेबस बहुत ह्यूज है, ठीक है। सिलेबस क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक साल भी कम है ऐसा आप अगर ध्यान से पढ़ते हो, सही से पढ़ते हो तो। दोस्तों जिसके कारण से मैं आप सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर को आप विजिट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सको, क्योंकि उससे आपका जो सिलेबस है 99% जल्दी क्लियर हो जाएगा और समझने में भी आसानी रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको समझ में आएगा, जिससे आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम के अंदर में। उसी का पहला शुरुआत करते हुए हम एमए हिस्ट्री MHI 03 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवा सकूँ। चलिए हम अपने वापस से वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एमए हिस्ट्री MHI 03 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का, ठीक है। आप देख रहे होगे MHI 03 लिखा हुआ है, इतिहास लेखन, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करें तो 3 घंटे का नॉर्मली टाइम मिलता है हर क्वेश्चन पेपर की तरह, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। अगर आप पूछते हैं अक्सर बच्चे कि सर कितने पेज में आंसर लिखना है, तो पेज की फोकस मत कीजिए, नॉर्मली एमए के अंदर में हम 500 वर्ड के अंदर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो टोटल 20 मार्क्स की होती है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है। और हर एक क्वेश्चन टोटल 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, ठीक है, Part 1 और Part 2। अगर आप मान लो टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आना होता है, अगर Part 1 से आप 3 क्वेश्चन करते हो तो Part 2 से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेगा, और Part 1 से अगर आप 2 करते हो तो Part 2 से 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस तरह से दोनों में से आपको मिलाकर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। सभी जो क्वेश्चंस की वैल्यू होती है 20 मार्क्स की होती है, तो मतलब इजी होता है नंबर गेन करना और बहुत आसानी से आप नंबर इसमें ला सकते हो। चलिए हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इतिहास लेखन की रानकेवादी परंपरा पर एक टिप्पणी लिखनी है हमें, एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है कि होता क्या है। अब देखो अगर आप इसकी बात करो तो नॉर्मली हमें फोकस ये करना है कि 500 वर्ड के अंदर में इस टॉपिक को खत्म करना है। अब रानकेवादी परंपरा है क्या, ठीक है, तो रानकेवादी का पूरा नाम लियोपोल्ड फॉन रानके था, ठीक है। मैं लेक्चर बेस पर ही वीडियो होने वाली है, तो अपना नोटबुक लेकर बैठे जिससे आप नोट डाउन भी कर सकें। तो ये जो रानकेवादी है इनका पूरा नाम लियोपोल्ड फोन रानकेवादी था, जिनका अगर डेट मतलब अगर हम बात करें 1795 से लेकर 1886 तक इनका पूरा जीवनकाल रहता है। ये 19वीं शताब्दी के जर्मनी इतिहासकार के तौर पे जाने गए। इन्होंने अब अनुभववाद मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर में जो लिखा जाता है इतिहास लेखन, उसके जनक के तौर पे जाने गए, अनुभववाद के जनक के तौर पे देखा जाता है इन्हें। इनके द्वारा सर्वप्रथम इतिहास लेखन के अंदर में इस तरह की जो विधि थी, इस तरह का जो तरीका था, नया एक्सपेरिमेंट था, वो किया गया और बहुत ज़्यादा प्रचलन बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है, अलग जगह पे इसका उपयोग किया गया। इनके द्वारा कई सारी कृतियाँ भी लिखी गई, किताबें भी लिखी गई, जिसके अंदर में आता है दी ओटोमन एंड स्पेनिश एम्पायर, ठीक है, दी पॉप्स एंड रोम, ठीक है, देयर चर्च एंड स्टेट्स, हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, ऐसा करके कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई रानकेवादी के द्वारा, ठीक है। रानकेवादी का पूरा नाम जरूर याद रखना, लियोपोल्ड फॉन रानके, ठीक है, इस तरह से उनका पूरा नाम था। अब रानके की मान्यता थी कि इतिहासकारों को अतीत का अध्ययन करते समय वर्तमान केंद्रित सरकारों से बचना चाहिए। जैसे मान लो आप अगर आप पास्ट की पढ़ रहे हो या पास्ट की हिस्ट्री लिख रहे हो, तो जो करंट में सिचुएशन है या जो करंट में जो भी गवर्नमेंट है उनसे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि आप दबाव बनाया जाता है कई बार, या फिर चीज़ें चेंज करने की कोशिश की जाती है, या फिर हम अपनी जो लिखने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा बहुत परिवर्तित करते हैं और अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ का हम लिख देते हैं। तो ये रानकेवादी के थ्रू कहा गया। ये कहते हैं कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस काल का अध्ययन कर रहा है और उस काल के लोगों के लिए
कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अगर मान लो आप 17वीं शताब्दी का कोई हिस्ट्री का टॉपिक लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये कल्पना करना चाहिए, ये अनुभव करना चाहिए कि 17वीं शताब्दी के अनुसार कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं और उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे, उसके बेसिस पे लिखना चाहिए। आज के समय में हमारे पास 5G है ना, 17वीं शताब्दी में 5G नहीं था। 17वीं शताब्दी में जो चीज़ था उसके हिसाब से हमें सोच कर वहाँ पर वो चीज़ें सेटल करना होता है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर में। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में नॉर्मली हम प्रमाण प्रूफ के ऊपर में वर्क करते हैं, ठीक है, कि कुछ प्रमाण मिला उसके आधार पर हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और जोड़ कर, कड़ियाँ जोड़कर हम हिस्ट्री तैयार करते हैं, इतिहास तैयार करते हैं। तो इतिहास लेखन वन ऑफ द टफ वर्क है, और जो आपका हिस्टोग्राफी है, इतिहास लेखन की जो बुक है, ठीक है, ये इतिहास लिखना सिखाती है कि किस तरह से इतिहास लिखा जाता है और अलग अलग विचारकों के द्वारा किस तरह से इतिहास लिखने के ऊपर में फोकस किया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर रानकेवादी को भी पढ़ रहे हैं। रानके ने एक अनुभववादी तथा उनकी मान्यताएं थी कि केवल केंद्रित अनुभव, ठीक है, के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब आप एक जगह फोकस करके चीज़ों को ही ज्ञान की प्राप्ति के तौर पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इनका मानना था। और रानके को अनुभववादी वैज्ञानिक के तौर पर, विद्वान के तौर पर, इतिहासकार के तौर पे जाना जाता है। उन स्रोतों के माध्यम से अतीत का ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो उस काल के लोगों को विशेष अनुभवों से वस्तुगत कराता है, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है या कोई स्रोत है जो उस टाइम पीरियड का हो, जैसे आप 17वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हो या 16वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पीरियड की अगर कोई चीज़ें आपकी मिल जाती है, प्रूफ मिलता है, कोई प्रमाण मिलता है, कोई साक्ष्य मिलता है, कोई मृतभांड मिलता है, कोई शवदाह मिलता है, ऐसा कुछ भी चीज़ मिला, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो चाहे साहित्यिक स्रोत हो, उसके आधार पर ही आप उन चीज़ों को बयां कर सकते हो। उसके बिना आपको बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये रानकेवादी के द्वारा बोला गया। उनका मानना था कि सभी स्रोत समान महत्व नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लो आपको चार चीज़ मिली तो चारों की वैल्यू सेम ही होगी, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं वरीता क्रम। वरीता क्रम मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद जो कम है उसको ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी हिस्ट्री लिख रहे हो, सपोज करो हम 1857 के विद्रोह के बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेन चीज़ें क्या थी, तो मेन चीज़ों को सबसे ऊपर, जो कम थी, जिनका जानकारी उतना ज़्यादा खास नहीं है, उनको सबसे नीचे हम डालते हुए चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरीके से हम रानकेवादी के द्वारा ये कहा गया। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ग्रीक रोमन परंपराओं की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड, जो इतिहास वर्ड है, वो बना कैसे। तो हिस्ट्री जो इतिहास है वो अंग्रेजी शब्द का वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री से ही हिस्टोरिका बना, हिस्टोरिया बना, जो यूनानी भाषा से शब्द से लिया गया है। हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया से लिया गया है, जो यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका यूनानी में अर्थ होता है पूछताछ या जांच पड़ताल करना, ठीक है, समझ में आता है। हिस्ट्री इंग्लिश का, हिस्ट्री बना किससे, हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया किससे लिया गया है, यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा में हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, तो पूछताछ या जांच पड़ताल करना, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे जनक, फादर ऑफ द हिस्ट्री के नाम से हेरोडोटस को जाना जाता है, जिनको फादर ऑफ द हिस्ट्री का नाम दिया गया है। इनके द्वारा हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी गई थी, जिसके अंदर में विभिन्न देशों का जिक्र किया गया, भारत और फ्रांस के संबंधों का जिक्र किया गया, कई देशों के संबंधों का जिक्र किया गया, व्यापार का जिक्र किया गया। तो मतलब वो एक तरह से संपूर्ण विश्व का इतिहास उन्होंने लिखने की कोशिश की थी, ठीक है, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है, समझ में आता है। उसी तरह रोमन इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी लोगे, तो लीबी एक रोमन इतिहासकार थे, ठीक है, जिनके द्वारा 142 पुस्तकों से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया गया, संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो लीबी के हमें बुक से हमें ज़्यादा बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और भी कई सारे यूनानी रोमन विचारक आए जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। यहाँ पर कुछ खास चीज़ों के बारे में हम फोकस करें, तो यूनानी इतिहासकारों के लेखन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था, बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करते थे, बड़े कंट्रोल करने का मतलब ही नहीं राज करते थे, मतलब वो हिस्ट्री लिखते समय अपना जो क्षेत्र अधिकार था वो बहुत विस्तृत फैलाते थे, बहुत दूर तक के हिस्ट्री को कवर करते थे। सपोज करो आप कोई पोएम लिख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई कविता लिख रहे हो, कोई न्यूज़ कवर कर रहे हो, तो एक लिमिटेड दायरे के अंदर तक ही सोच कर आपने लिखा। पर जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने अपने सोचने की जो चीज़ें थी या हिस्ट्री लिखने की जो चीज़ें थी वो कभी भी एक लिमिटेड दायरे तक नहीं रखा, उन्होंने विस्तृत फैलाया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस किया गया। जबकि वहीं पर अगर आप रोमन इतिहासकार का देखोगे, तो रोमन इतिहासकार का अपनी घटनाएं, अपने लोगों तक ही उनकी विचारधाराएं सीमित रहती हैं, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि यूनानी लोगों ने क्या किया, उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक पहलुओं के साथ संबंधों को लिखा, ठीक है। क्या क्या पहलू रही, क्या क्या संबंध रहे, उसको भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा, ठीक है, समझ में आता है। रोमन इतिहासकारों ने जीवन के आधारभूत प्रश्नों का कोई जवाब, कोई वर्णन, कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। जो जीवन के आधारभूत प्रश्न थे उसके बारे में जब वो नहीं दिया, जबकि यूनानियों ने उसके बारे में लिखा, उनके संबंधों को उजागर किया, ठीक है, समझ में आता है। यूनानी इतिहासकारों के द्वारा साथ ही खोज पर बल दिया गया, ठीक है, सत्य की खोज पर बल दिया गया कि किस तरह सत्य है, क्या चीज़ें हम खोज सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम आगे और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर में बल दिया गया। जबकि रोमन विद्वानों द्वारा घटनाओं से संबंधित कारणों को जानने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कि सिर्फ देखो ध्यान दिया गया, मतलब महज घटनाओं तक ही सीमित रखा गया रोमन इतिहासकारों के द्वारा। यूनानी जो इतिहासकार रहे उनके द्वारा क्या किया गया, सत्य की खोज के ऊपर बल दिया गया कि भैया आप सत्य ढूंढो, जो भी घटने को कवर कर रहे हो, किसी हिस्ट्री इंसिडेंट को कवर कर रहे हो, इतिहास लिख रहे हो, तो उसका रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, उसके ऊपर बारे में भी जानो, उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी जानो, क्या संबंध रखता है, ह्यूमन का क्या रोल है, इंसान का क्या रोल है उस घटना से, ठीक है, और किस इंसान का किस तरह से रोल बनता है उसको भी कवर करो, यूनानियों का मानना था। पर रोमन्स का क्या मानना था कि भैया एक घटना घटी, एक व्यक्ति सम्मिलित है, तो घटना और व्यक्ति को फोकस करो, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, महज घटना और व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है, वो ये मानकर चलते थे। घटना का कारण क्या है वो जानो, घटना किसके द्वारा हुई वो जानो, घटना क्या हुई वो जानो, बस खत्म, ये रोमन्स का मानना था, ठीक है, समझ में आता है। समाज की स्थापना में यूनानियों ने व्यक्तियों को कोई विशेष महत्व नहीं माना, ठीक है, उन्होंने माना कि जो समाज की स्थापना हुई है उसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, नॉर्मल समाज की स्थापना हुई है, वो ये मानकर चलते थे। बट रोम के अंदर में जो श्रेय है वो व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, समझ में आता है। इवन अगर आप जो भी बहुत सारे इतिहासकार रहे जिन्होंने इतिहास लेखन में ग्रीक और रोमन परंपराओं के बारे में बात किया, यूनानी रोमन परंपराओं के बारे में बात किया, तो वहां पर यूनानी परंपराओं को श्रेष्ठ दिखाया गया, विस्तृत दिखाया गया, पर रोमन परंपराओं को पिछड़ा हुआ दिखाया गया है, ठीक है, समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि तीसरा क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो ही बनाया है, कारण कार्य संबंध क्या है और आप इससे क्या समझते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा टाइम देकर सही से पढ़ो, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में भी अगर मैं 9 क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, तो 9 में से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख सकते हो, लिख के रख लो कि पक्का आएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कारण कार्य संबंध क्या है। कहा जाता है कार्य और कारण का परस्पर में अटूट संबंध है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई घटना घटी, अगर कोई कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सपोज करो मैंने आपको ये MHI 03 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ लास्ट ईयर का, रीजन क्या है, कारण क्या है, आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, कारण ये बना। कार्य क्या किया मैंने, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, पर कारण क्या रहा, एग्जाम और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। तो कहा जाता है कि कार्य और कारण का परस्पर में अटूट संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कारण के अभाव में कोई घटना का होना असंभव है। अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। अगर बारिश हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है कि भैया जब धूप हुआ था, धूप हुआ तो वाष्प उत्सर्जन से नीचे से पानी उड़कर आसमान में गया, वहां पे बादल बने, उससे बारिश हुआ, ठीक है। बिजली कड़क रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, भैया दो बादलों के बीच में घर्षण के कारण बिजली कड़की। ये साइंस है, बाकी मुझे पता नहीं है, सही गलत हो सकता है, हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री पे वापस से आते हैं। अगर मान लो बंदूक से गोली चलाई गई तो रीजन क्या है, भैया बंदूक से टिगर दबाया गया होगा ना, तभी चली होगी, ठीक है। कोई आदमी मर रहा है, कोई सांस ले रहा है, तो रीजन क्या भाई, आप सांस ले रहे हो तो सांस छोड़ भी रहे हो, सबका एक कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। अगर कोई पेड़ पे से फल गिर रहा है तो गिर क्यों रहा है, भैया दो कारण है उसके, या फिर एक तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, नीचे से वो अपनी ओर खींच रही है, दूसरी चीज ये कि जो फल का टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया होगा, उसके कारण से गिर रहा है। तीसरा कारण यहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पे कीड़े लग गए हों, जिसके कारण से फल की डंडी काट गई हो, खा गई हो, या पक गया हो, उसके कारण से गिर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, अगर कारण नहीं है तो कार्य संभव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कई सारे विद्वान आते हैं, विचारक आते हैं, इतिहासकार आते हैं, जिसमें सबसे बड़े इतिहासकार के तौर पर EH कार को हम जानते हैं। EH कार का मानना था कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध देना, क्रमबद्ध मतलब क्या, सीरियल वाइज देना, कारण और परिणाम का पारस्परिक संबंध को क्रम को प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब क्या मानते थे, अगर मान लो कोई घटना घटी उसको सीरियल वाइज तरीके से रखा,
कारण क्या है और परिणाम क्या है, उन दोनों के बीच में हमने संबंध को बताया, उनके क्रम को बताया कि किस तरीके से हुआ है, वो पूरा चीज जब हम बता रहे हैं ना, वो क्या बनता है, इतिहास बनता है, उसको हम इतिहास के तौर पे जानते हैं। और कारणों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जब हम कारणों को पढ़ते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, हम 200 सालों तक गुलाम रहे क्यों, जो क्यों वर्ड है ना वो कारणों को पूछता है। और जैसे ही हम कारणों का पूछते हैं तो मतलब हम घटनाओं के बारे में जान रहे हैं, और जैसे ही हम घटनाओं के बारे में जानते हैं तो मतलब क्या, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इतिहास की अध्ययन कर रहे हैं। ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे और भी कई सारे विचारक आते हैं, जैसे मान के चलते हैं जॉन एस मिल के बारे में, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, वो कहते हैं कारणों को किसी विशेष परिस्थिति या फिर परिस्थितियों के समूह के तौर पर देखते हैं। कोई कारण है तो या फिर कोई उसके विशेष कंडीशन होगा, कोई ना कोई कंडीशन होगा, या कंडीशनों का पूरा समूह होगा, ग्रुप ऑफ कंडीशंस, ऐसा मान के चलते हैं वो, ठीक है, उनके तौर पर देखते हैं। मतलब अगर कोई घटना घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई तो सर्कमस्टेंस होगा, कोई ना कोई तो परिस्थिति होगी जिसके कारण से घटना घटी, ठीक है, अगर घटना घटी तो उसके पीछे कारण है, कारण है तो क्या है ये जानते हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि एक घटना के घटने के पीछे 18वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा ये बोला गया, अगर कोई घटना घट रही है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और उस कारण के कारण से पहले जो कारण था वो उन घटनाओं का जिम्मेदार है। सपोज करो घटना से पहले घटित किसी घटना को कारण मानकर चलते हैं। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, ये आपका मान लो एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ क्यों भाई, ठीक है, ये आपका काम हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्यों, तो उससे पहले का ये रीज़न था, घटना घटने से पहले के जो कारण थे उसको हम देखें, तो आपने इतनी सर्विस नहीं कराई जिसके कारण से ब्रेक जो स्विच था वो पूरा ख़राब हो गया था, उसके कारण से एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक लग नहीं पाई टाइम पर, ठीक है। तो घटना के पीछे घटना को घटने से पहले जो उनसे पहले जो जुड़े हुए जो कारण थे वो भी घटना को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, कारण जिम्मेदार होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर में आपको मैंने अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है कारण कार्य संबंध का, वो आप देखिए जिससे आपको समझ में आए, और पूरा सही से आप अगर एक्सप्लेन करके 500 वर्ड के अंदर में लिखोगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वापस से दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई मुगल काल के दौरान इतिहास लेखन के हैं, ठीक है, जो इतिहास लेखन है उसके इंडो फारसी परंपराओं की चर्चा कीजिए। अब देखो मुगल काल की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या, अकबर बाबर सारा बिरबल सब कुछ आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास लेखन की हम बात करते हैं इंडो फारसी परंपरा, तो मतलब क्या, देखो मुगल काल के अंदर में एक ना प्रचलन हुआ, प्रचलित हुआ क्या चीज़ कि अपना अपना इतिहास लिखने की कला प्रचलित हुई, ठीक है। यहाँ पर मुगल राजाओं के द्वारा सरकारी इतिहासकारों की नियुक्ति शुरू हुई, ठीक है, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों को हायर किया जाने लगा कि भैया तुम मेरा इतिहास लिखोगे, मेरे बारे में लिखोगे, ऐसा करके लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा, ठीक है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1526 में बाबर द्वारा की गई, ठीक है। बाबर जैसे 1526 में क्या होता है, बाबर क्या होता है, लोदी वंश के जो शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, उसको हराकर मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर बाबर को जाना गया। बाबर द्वारा तुजक ए बाबरी करके एक बुक लिखी गई, तुजक ए बाबरी, ठीक है, बुक्स के नाम जो भी है ना दोस्तों आप उसको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर बाद में आपको नहीं मिला तुजक ए बाबरी करके, ठीक है, तुजक ए बाबरी करके एक बुक लिखी गई, और इस बुक के अंदर में बाबर ने अपना पूरा जो कार्यकाल था उसके बारे में बताया, अपने शासन के बारे में बताया, भारत के जीवन के बारे में बताया, भारत की संस्कृतियों के विषय में उसके बुक के अंदर में मेंशन किया इन्होंने। साथ साथ में जो लेखन के अंदर में अपनी जो बुक था तुजक ए बाबरी उसके अंदर में बाबर ने यह बोला कि भारतीय शासक क्या है, विश्वासघाती हैं, इसका ये मानना था, परंतु अगर आप भारतीय इतिहास को स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बाबर भारतीय राजाओं को, भारतीय जो राजवाड़े थे शासक थे उनको विश्वासघाती बोल कर रहा है, पर खुद ये उनके साथ विश्वासघात करता था, मतलब चोर उल्टा कोटवाल को डांट रहा है अपनी पुस्तक के अंदर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बाबर ने लिखा, उसी तरह से बाबर ने क्या किया, अलग अलग लोगों को भी अपॉइंट करना शुरू किया कि भाई तुम मेरे बारे में लिखो, जिसके परिणाम क्या निकलता है, बाबरनामा, ठीक है, तुझे के बाबरी, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पुस्तकें निकलती हैं। अकबर के काल में इतिहास लेखन को अंदर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, और अकबर के समय में पैगंबर से लेकर अकबर तक का जो पूरा इतिहास लेखन का काम शुरू करवाया गया। अकबर ने क्या किया भैया, थोड़ा सा चेंज किया कि भाई बदलाव करो, बहुत बदलाव बहुत ज़रूरी है, और उसने पैगंबर मोहम्मद, जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ ये माना जाता है, वहाँ से अपने शासन तक का पूरा इतिहास लिखाने की जिम्मेदारी ली, जिसके अंदर में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है तारीख ए इल्फी, ठीक है, तारीख ए इल्फी, ठीक है, तारीख इल्फी, ए इल्फी,
ठीक है, तो बुक के नाम अजीब अजीब से हैं, उर्दू के अंदर में है, ठीक है। तारीख़ इल्फी का उन्होंने शुरुआत करी, और तारीख़ इल्फी के गठन के लिए 7 विद्वानों के परिषद का गठन किया गया, जिसके अंदर में अलग अलग जगह से 7 विद्वानों को लाया गया जो तारीख़ इल्फी लिखें, ठीक है। और वहाँ पे उसके अंदर में क्या फोकस किया गया कि पैगंबर मोहम्मद से लेकर पूरा अकबर तक के शासनकाल का पूरा जिक्र किया जाए। उसके बाद अकबर के कहने पर बेगम वजियत, ठीक है, बेगम वजियत और जौहर आफ्ताबी ने एक बुक लिखना शुरू किया, उन्होंने भी लेखन कार्य स्टार्ट किया। और बेगम वजियत के द्वारा तजीरियात ए हिमायूं लिखा गया, जिसके अंदर में हिमायूं के जीवन काल के बारे में मेंशन किया गया। और बेगम जौहर आफ्ताबी के द्वारा तजरीकत अल वाकियात लिखा गया, ठीक है। ये जो बुक्स के नेम है दोस्तों उर्दू में है, तो कई बार मुझसे बोलने में गलती हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप अगर सही से देखना चाहते हैं तो अपनी बुक को खोल कर बैठे, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर में ही ये चैप्टर सारी आपके बुक से ही पॉइंट्स उठाए गए हैं। मैं भी बुक की हेल्प से ही आपको समझा रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है, समझ में आता है। अबुल फजल के द्वारा बाबर से अपने शासनकाल के इतिहास के बारे में लिखवाने के ऊपर अकबर ने चर्चा करी। अकबर ने क्या किया, अबुल फजल को अपॉइंट किया कि भाई आप क्या करो, एक काम करो, मुझे जो तारीख़ इल्फी लिखी गई और बाकी 2-3 पुस्तकें लिखी गई उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप एक दोबारा से एक दूसरी पुस्तक लिखो। जिसके लिए उन्होंने अबुल फजल को अपॉइंट किया, उसने बोला कि बाबर से लेकर मेरे शासनकाल तक का आप अलग से मेंशन करो। तो कहते ठीक है भाई। अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखने में ऑलमोस्ट 7 साल का समय लगा दिया, 7 साल का समय लगाया, 7 साल पूरा किया। उसके बाद उन्होंने लिखकर तैयार किया आईने अकबरी के नाम से, जिसे जाना गया। आईने अकबरी के अंदर में अकबर काल की सारी घटनाएं, नीतियां, राजपूत नीतियां, ठीक है, आर्थिक वर्णन के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि अकबर की राजनीतिक नीति किस प्रकार थी, राजपूत नीति किस प्रकार थी, धार्मिक नीति किस प्रकार थी, आर्थिक नीति क्या थी, उन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एक मेरे मन में आता है दोस्तों, कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए, आपको भी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो जो आईने अकबरी है उसको हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर भी भाई सोचता है कि मुझे भी बुक लिखवानी है, बाकी सब ने लिखवाया, मेरे दादा परदादा ने लिखा है, मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो जहांगीर क्या करता है, अब्दुल्लक करके एक व्यक्ति होता है उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। वो कुछ एक एक बुक लिख रहा होता है, पर लिखते लिखते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता है नुरसल हक, उसके द्वारा उस बुक को कंप्लीट किया जाता है। और इस बुक का नाम होता है जब्दुल जब्दुल तारीख, ठीक है, जब्दुल तारीख करके ये बुक लिखी जाती है। और तारीख है खान अ जहानी करके एक और बुक लिखी जाती है, जिसके द्वारा किसके द्वारा लिखी जाती है, तो नहमत अल्लाह खवी के द्वारा लिखी जाती है, जिसके अंदर में पूरा जहांगीर के टाइम पीरियड का जिक्र किया गया, जहांगीर के शासनकाल का जिक्र किया गया। तुजुके जहांगीर, तुजुबे जहांगीर करके एक और पुस्तक होती है, जिसके अंदर में जहांगीर की आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है, तुजुके जहांगीर, ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है दोस्तों, तुजुके जहांगीर। फिर वहाँ पे शाहजहां भी आता है, शाहजहां भी बोलता है भाई मुझे भी एक पुस्तक लिखवानी है। तो वो बादशाहनामा और या फिर शाहजहांनामा आप कह लो, वो मोहम्मद आमीन के द्वारा वो लिखवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पूरा शाहजहाँ के टाइम पीरियड का जिक्र किया जाता है, उनके शासनकाल का जिक्र किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग पुस्तकें लिखी जाती हैं। औरंगजेब भी आता है, औरंगजेब उस्मानुल्लाह को वो अपॉइंट करते हैं कि तुम मेरी पुस्तकें लिखो। उसके अंदर में गंज ए बदुई करके बदुई करके वो पूरी पुस्तक लिखते हैं, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल के अंदर में उनके जो कर व्यवस्था था, कृषि व्यवस्था था, कृषि पर आधारित पूरी तरह से एक बुक लिखवाया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा मुगल काल के दौरान का इतिहास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। एक अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास लेखन की इस परंपरा से जुड़े इतिहासकारों और उनके कार्यों की विवेचना कीजिए। सूक्ष्म इतिहास, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो जब हम छोटे से स्तर पर एक इतिहास की स्टडी करते हैं, किसी छोटे को एरिया को कवर करते हुए, तो हम उसको सूक्ष्म इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, सिंपल सा आम भाषा की बोलचाल में ये कहा जाता है। ऐसे में बात करूँ बुक की लैंग्वेज के अंदर में, जो आपकी बुक के अंदर में दिया गया है, तो कहा जाता है कि भाई 1970
में इटली के अंदर में सूक्ष्म इतिहास विकसित हुआ। सूक्ष्म इतिहास की जो चीज़ें थी वो विकसित होना शुरू हुई 1970 के करीब में। सूक्ष्म इतिहास के दृष्टिकोण में सबसे विशिष्ट पहलू किसी भी घटना को छोटे पैमाने पर जांच करना। कोई भी घटना हुई है उसको छोटे पैमाने पर ही जांच करना सूक्ष्म इतिहास कहलाता है। सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, ठीक है, जो अध्ययन है केवल स्थानीय महत्व आदि तक ही रुचि तक सीमित रखते हैं, जो मतलब अगर सूक्ष्मदर्शी इतिहासकार है जो सूक्ष्म इतिहास को कवर करते हैं, उनके द्वारा ये क्या तय किया जाता है कि ये जो टॉपिक है ये स्थानीय स्तर तक ही रहेगा। उसकी रुचि को ज़्यादा वो नहीं बढ़ाते, रुचि को सीमित रखते हैं, उसी को हम सूक्ष्म इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। कोई भी घटना हो या कोई भी घटना या गाँव या कोई समुदाय या व्यक्ति के बारे में गहन अनुसंधान करना सूक्ष्म इतिहास के अंतर्गत आता है। मतलब मान लो कोई घटना घटी और सिर्फ उस घटना के बारे में या फिर उस व्यक्ति के बारे में या फिर उस गांव के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म इतिहास के श्रेणी में उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, समझ में आता है। इसी के द्वारा एम बोस्टन करके एक और इतिहासकार आते हैं, जिनके द्वारा कहा जाता है कि स्थानीय इतिहास का अधिकतर भाग सूक्ष्मदर्शी इतिहास के अंदर में आता है। जो स्थानीय इतिहास है ना, जो आस पड़ोस के इतिहास होते हैं, गली मोहल्ले के इतिहास होते हैं, स्थानीय इतिहास होते हैं, उसको हम सूक्ष्मदर्शी इतिहास के अंदर में रखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म इतिहासकार रानकेवादी परंपरा के आलोचक रहे हैं। जो सूक्ष्म इतिहासकार रहे हैं वो रानकेवादी परंपरा के कट्टर आलोचक के तौर पे जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, औपनिवेशिक इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इस धारा से संबंधित दो महत्वपूर्ण इतिहासकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम उपनिवेशिक इतिहास लेखन की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में इतिहास लेखन ना के बराबर था भाई, इतिहास ज़्यादा लिखा नहीं जाता था। चार्ल्स ग्रांट 18वीं शताब्दी में अपने लेखन में इतिहास का पुट दिया। उन्होंने सबसे पहले, चार्ल्स ग्रांट करके एक इतिहासकार आते हैं, उपनिवेशिक इतिहासकार होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंदर में इतिहास होता है, लिखा जाता है, उसका पुट दिया, उन्होंने डाला, उसके बारे में जिक्र किया। और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था ऑर्वेजेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ इंडिया करके उन्होंने लिखा, जो 1792 में वो बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स ग्रांट के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत के विषय में लेखन उनके घमंड तथा आत्मविश्वास को दर्शाता है। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो भारत का इतिहास लिखा गया उसके अंदर में नॉर्मली भारत की बुराई की गई और अपनी शासन व्यवस्था, अपनी प्रणाली को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद 1806 से लेकर 1818 के बीच में जेम्स मिल आते हैं भाई, इतिहासकार के बहुत बड़े वैज्ञानिक इतिहासकार के तौर पर जाने गए, जेम्स मिल। ठीक है, उन्होंने भारत के इतिहास पे अनेक ग्रंथों की रचना करी। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और कई कॉलेजों में, कई विश्वविद्यालयों में उसको पढ़ाया जाने लगा। इसमें टोटल 3 खंडों में विभाजित करके लिखा, बहुत बड़ी बुक थी, बहुत नाम हुआ इनका। ठीक है, 3 खंडों में से पहला खंड सिर्फ भारत के बारे में था, बाकी 2 खंडों के अंदर में पूरी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जेम्स मिल का बहुत ज़्यादा नाम हुआ, इनकी पुस्तक, ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई पूरे वर्ल्ड के अंदर। मान लो जो भी ब्रिटेन ब्रिटेन के विश्वविद्यालय थे बड़े बड़े, उनके अंदर में इसको रखा गया, पढ़ाया जाने लगा। पर सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि जेम्स मिल ने कभी भी भारत के अंदर में घूमा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ भारत अधिकारी टूर पे आए थे, उन्होंने देखा उसको, और जो ब्रिटिश अधिकारी सब भारत के अंदर में वर्क करते थे उनसे पूछताछ किया, उनकी बुकों का सहारा लिया और उसी के बेसिस पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का उन्होंने निर्माण किया और उनका नाम हुआ। ठीक है, समझ रहे हो। जिस व्यक्ति ने कभी भारत का दर्शन नहीं किया उसके द्वारा भारत की हिस्ट्री लिखी गई। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था ना, जिस व्यक्ति को नक्शा तैयार करने का काम दिया गया था कि कैसे कैसे भारत को बांटना है, वो भारत उसी दिन पहली बार आया था और उस बंदे को बोल दिया भारत के अंदर में बांट दो, वो बंदा भी सोच रहा होगा यार पागल लगा लेंगे, न सस्ता नशा कर देंगे सारे के सारे, मैं कभी देखा नहीं उसका बंटवारा करने के लिए मुझे बुला रहे हो, मुझे तो पता नहीं है कि किधर से रात है किधर से दिन है, ऐसी चीज़ें। समझ में आ रहा है। वापस से आते हैं टॉपिक पे। जेम्स मिल के बाद एक एल्फिनेस्टन करके एक अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में, जिनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉमडन्स इंडिया करके लिखा गया, एक बुक लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1941 के अंदर में लिखा गया, जो बहुत फेमस हुई और भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर में,
ठीक है, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, कई सारे कॉलेजेस के अंदर में उसको पढ़ाया जाने लगा, पाठ्यक्रमों में अंदर में शामिल किया गया। और जेम्स मिल के बाद सबसे ज़्यादा फेमस अधिकारियों के अंदर में एल्फिनेस्टन की नाम लिया गया। एल्फिनेस्टन का नाम लेने का रीज़न ये था कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भारत का भ्रमण किया था, बहुत लंबा समय भारत के अंदर में दिया था, और उन सभी अनुभवों के आधार पर उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन का लिखा था, जिसका पुस्तक का नाम क्या क्या था, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉमडन इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पुस्तक लिखा। एल्फिनेस्टन के द्वारा एक और बुक लिखी गई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर। ठीक है, जिसके अंदर में टोटली ब्रिटिश शासन का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, एक तरह से मान लो उनके प्रवक्ता के तौर पर ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी। एक अब इसके बाद एल्फिस्टन के बाद एक और इतिहासकार आते हैं जिनका नाम होता है व्हीलर। व्हीलर क्या करते हैं, 1876 से लेकर 1867 से लेकर 76 तक कई सारी पुस्तकें लिखती हैं। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आ जाती है। यहाँ पर आज के समय में भी व्हीलर की जो बुक है बहुत फेमस है और कई सारे विश्वविद्यालयों के अंदर में पढ़ाया जा रहा है। 1911 से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये बुक चलता रहा। ठीक है, और आज भी कई जगह पर चल रहा है ये माना गया। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये औपनिवेशिक काल के इतिहास लेखन का वर्णन मैंने बताया आपको, जिसमें दो महत्वपूर्ण इतिहासकारों के बारे में बताया और आप दो या तीन चार बताया आप उसके अंदर में ऐड करके सही से समझ सकते हो और आपको समझ में आएगा, अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन, हम सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल की मुख्य तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब कैम्ब्रिज स्कूल है क्या? तो एक ऐसा समूह स्कूल के अंदर में, एक इतिहासकारों का ऐसा समूह जो एक पत्रिका के तौर पे काम करते हैं, जो अपने विचारों को रखते हैं, ओपनली रखते हैं, फ्रीडम के साथ रखते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल का गठन अनिल सील, गार्डन जॉनसन, रिचर्ड गार्डन और डेविड ए बासकुक द्वारा किया गया था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। ठीक है, इतिहास का लेखन का कैम्ब्रिज स्कूल का जो विचार था, जिसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ब्रिटिश साम्राज्य की अध्ययन किया। ठीक है, मतलब वो ब्रिटिश सरकार का अध्ययन कर रही थी, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लिए कैम्ब्रिज स्कूल के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ में आता है। आधुनिक भारत पर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का विकसित रूप कैम्ब्रिज स्कूल कहलाया। और ये पता है अध्ययन कब किया गया? ये स्वतंत्र भारत, अपनी आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है, ये कैम्ब्रिज स्कूल के द्वारा ये अध्ययन स्टार्ट किया गया था इनका। परंतु इसका जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो था वो पत्रकारों द्वारा ही लिया गया, जो मतलब इसमें जो शामिल हुए लोग या फिर जिनका सहारा लेकर ये लिखा गया, जो कैम्ब्रिज स्कूल की जो विचारधाराएं थी, जो परंपराएं थी, उसके बारे में बात किया जाए तो ये जो ब्रिटिश जो पत्रकार हुआ करते थे उनके द्वारा ही लिखा गया। और इसके अंदर में ये कोशिश किया गया लिखते समय कि उन चीज़ों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें जो हमारे लोग सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग जानना चाहते हैं, उसी के ऊपर में इसमें फोकस किया गया। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये नॉर्मल से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका आठवां क्वेश्चन, जनोमुखी इतिहास की धारणा की व्याख्या कीजिए। अब जनोमुखी इतिहास होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। जनोमुखी इतिहास उसे कहते हैं जो आम जनता को केंद्र बिंदु बनाकर लिखा जाता है, मतलब आम लोगों के लिए लिखा गया, आम लोगों का सहारा लेकर लिखा गया, उसे हम जनोमुखी इतिहास के तौर पर देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 18वीं शताब्दी से जनोमुखी इतिहास लिखना शुरू हो चुका था, जहाँ पे आम लोगों का इंपोर्टेंस दिया जाने लगा। शास्त्रीय पश्चिमी परंपरा में इतिहास लेखन का महान व्यक्तियों का गुणगान होता था। ठीक है, पहले पश्चिमी परंपरा में क्या होता था, इवन भारत के अंदर भी देखोगे तो मोदी जी ये हैं, नेहरू जी ये हैं, वो हैं, मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति होते ना उनका ही गुणगान होता था, आम लोगों की बात नहीं की जाती थी। पर जनोमुखी इतिहास के आने से आम लोगों को केंद्र में रखकर लिखा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे एरिक हॉब्सम करके एक इतिहासकार आते हैं, उन्होंने ये माना कि जैसे ही आम व्यक्ति प्रमुख निर्णय और घटनाओं का भागीदार बनने लगा, उसे प्रभावित करने लगा, तब इस विचारधारा को पैदा हुआ, मतलब तब ये विचारधारा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, ये माना गया। जब एक व्यक्ति, आम व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को रूल कर रहा हो, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा हो, उसे प्रभावित कर रहा हो, उसके कारण से वो इम्पैक्ट हो रहा हो डिसीजन, तब उस आम व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में दो इतिहासकारों ने पहली बार पीपल शब्द का उपयोग किया, जनता शब्द का उपयोग किया। ठीक है, जर्मनी के जे जी हार्डर करके एक इतिहासकार थे, जिन्होंने पहली बार लोक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस तरह की चीज़ें थी, मतलब वो लोगों को, आम लोगों को दिखाया ही नहीं जाता था इतिहास के अंदर में, तो जनोमुखी इतिहास के आने के बाद ये चीज़ें होना शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आता है।
आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका नोवा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पे कहा जाता है इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो है उत्तर आधुनिकतावादी और एक हैगा उत्तर आधुनिकता, ठीक है। एक में वादी लगा, एक में वादी नहीं लगा, दोनों सुनने में बहुत ज्यादा पर्यायवाची जैसा लगते हैं कि दोनों सिमिलर ही तो हैं, डिफरेंस क्या है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। अगर सबसे पहले मैं उत्तर आधुनिकता के बारे में बात करूं, वादी को हटा दिया मैंने 2 सेकंड के लिए, तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि समकालीन विकसित समाजों में अस्तित्व की सामाजिक स्थितियां और इन समाजों के अर्थव्यवस्था का चित्रण किया जाता है। मतलब एक ऐसा समाज, ठीक है, जो विकसित समाज है या फिर अस्तित्व की सामाजिक स्थितियां हैं उसके अंदर में जो बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है, और उन समाज की अर्थव्यवस्था का जब हम चित्रण करते हैं ना, तो उसे हम उत्तर आधुनिकता के अंदर में रखते हैं। और इस टाइम पीरियड या फिर ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका हो या होने वाला हो, जो उसके अंदर में जब हम उन चीज़ों के बारे में लिख रहे होते हैं, ठीक है, उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, तो वो उत्तर आधुनिकतावादी बन जाता है। जब ये पीरियड चल रहा हो, मतलब उत्तर आधुनिकता वाला पीरियड चल रहा हो और उसी समय अगर हम लिख रहे हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर में, तो वो उत्तर आधुनिकतावादी बन जाता है, ठीक है, समझ में आता है। वहाँ पे उत्तर आधुनिकतावादी उत्पन्न होता है। उत्तर आधुनिकतावादी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे कई सारे इतिहासकार आते हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी के अंदर में कई सारे इतिहासकार आते हैं, जिसके अंदर में फूको सबसे इम्पोर्टेंट इतिहासकार पे दौर पे देखे गए, जे के देरिदा, ठीक है, जया फांसुआ, ठीक है, जया बोंद्री आकर के, ऐसे करके 3-4 जो विद्वान हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। मिशेल फूफो की अगर हम बात करें तो मिशेल एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने ये माना कि एक उत्तर आधुनिक विचारक थे, वो उत्तर आधुनिक विचारक थे, इनका ये मानना था कि वो प्रबोधन संबंधित विचारों और आधुनिकता पर बहुत बड़े आलोचक के तौर पर देखे गए, लेखन से मानव विज्ञान और समाज विज्ञान में बहुत प्रभावित हुए। इनका ये लेकर चलना था कि मतलब लेखन कला से विकसित हो रहा है, हिस्ट्री जो हम लिख रहे हैं उससे विकसित हो रहा है, ठीक है, ये लेकर चलते थे। देरिदा भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने भी अपनी विचारधाराएं व्यक्त करी। बस यहाँ पे हमको क्या करना है कि उत्तर आधुनिकतावादी है क्या, उसके दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा सा बताकर बाकी जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या माना उस विचारधारा को लेकर, यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, समझ में आता है। एक 10वां क्वेश्चन के ऊपर में भी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन होता क्या है। तो 10वां क्वेश्चन नॉर्मली हर बार टिप्पणी के लिए आता है, जिसके अंदर में आप कोई भी दो टॉपिक पकड़िए जिसके ऊपर आप टिप्पणी लिखिए, पर टॉपिक आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है, आपके 20 नंबर टोटल बन जाते हैं, ठीक है। मैंने टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, 9 में से आप यकीन मान के चलिए, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे जो आपके एग्जाम में ना रिपीट हो सके, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 3 तो हो ही जाते हैं, ठीक है, बट फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया तो छोड़ देना पढ़ना, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि धीरे धीरे करके वापस से MHI 03 को जरूर पढ़ें, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक में से ये एक है आपके पास, MHI 03, समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा दोस्तों, जय श्री राधे राधे बोलते हुए आपके साथ। बट आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी इन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका आस पड़ोस दोस्त है सबको एक बार हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। और आपके एक एक लिंक शेयर करने से, एक एक लाइक करने से, एक एक सब्सक्राइब करने से, एक एक कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार चलो कोई तो है बंदा रिस्पॉन्स करने वाला, देन हम और अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और वीडियो बनाते हैं, लेकर आते हैं और आपको देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आप सभी को लास्ट में हैप्पी जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर में कृष्ण भगवान सभी खुशियों से भर दें, आपका एग्जाम अच्छे से हो, आप आगे तरक्की करो। जय श्री राधे राधे, एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।